हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी मेकर्स। आज हम बात करेंगे वीकली क्रूड ऑयल के एनालिसिस के बारे में। हम दो टाइम फ्रेम में सिलेक्ट करेंगे, एक है इंट्राडे और एक है वीकली टाइम फ्रेम। लेकिन सबसे पहले मैं हमारे न्यू यूज़र्स को बोलना चाहता हूँ, आप स्टॉक मनी मेकर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे डेली वीडियोज़ से अपडेटेड रहिए। जो भी हमारे टेक्निकल एनालिसिस है क्रूड ऑयल और बाकी सारे कॉमोडिटीज़ से, आप अपडेटेड रहिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, जहाँ पे मोर देन 4700 मेंबर्स आर ऑलरेडी देयर। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी स्टॉक मनी मेकर्स M6 की। और एलआईएस ब्लू में हमारे तरफ से आपको फ्री अकाउंट ओपनिंग मिल रही है। टर्म्स एंड कंडीशंस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हो, एलआईएस ब्लू में हमारे रेफरेंस है, आपको लाइफ टाइम इक्विटी और MCX कॉल्स जिनकी एक्यूरेसी मोर देन 95% या मोर देन 90% मैं कंसिडर करता हूँ, आपको वो कॉल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल्स। तो कोई भी वीडियोस के थ्रू आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। तो क्रूड ऑयल हम दो टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो जो फर्स्ट वीडियो है उसका जो टाइम फ्रेम हम देखेंगे वो है 1 आवर का, और जो सेकेंड वीडियो हमारे पास, मतलब सेकेंड चार्ट है हमारे पास, उसका जो टाइम फ्रेम है वो 1 डे का है। ओके, तो पहले मैं डेली एनालिसिस करना चाहता हूँ। तो डेली एनालिसिस के बेसिस पे हमें वीकली का आइडिया आ जाएगा क्रूड ऑयल का, कि क्या हम क्रूड ऑयल में एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, कैसे क्रूड ऑयल रिएक्ट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल में डाउन ट्रेंड पहले से ही है और भी डाउनफॉल अभी बाकी है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि क्रूड ऑयल इतना ही गिर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने पोजीशन बना रखी है क्रूड ऑयल में बाई की, वो एक्चुअली करेक्ट टाइम पे उन्होंने पोजीशन नहीं बनाई है बाई की। आप देख सकते हो, मैं आपके सामने यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के बेसिस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना चाहता हूँ। जनरली मेरे ट्रेडर्स बहुत सारे 10 से 15 टेक्निक के बेसिस पे कॉल्स डिफाइन करते हैं, लेकिन मैं आप सभी के सामने ये रिटेलर्स के लिए एक प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी रख रहा हूँ, जिससे उनको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा। आप देख सकते हो मैंने 0 to 100% का रेंज ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। आप ये लेवल्स देख सकते हो, 61.8%, 50, 38.2 और 0% का लेवल। 0% पे ये जो प्रीवियस लो है क्रूड ऑयल का, आप वो देख सकते हो 0% पे। जो इसका रेजिस्टेंस है डेली बेसिस पे, वो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। वो 2500 पे ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि डेली बेसिस पे क्रूड ऑयल को 2500 टच करना पड़ेगा, उसके बाद वो बाइक हो सकता है डेली बेसिस पे। तो ये वीकली टाइम फ्रेम के, ये वीकली एनालिसिस के बारे में हम बात करें, तो क्रूड ऑयल का जो नियर रेजिस्टेंस मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है 2000 पे। 2010 पे क्रूड ऑयल का बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। उसके नीचे का रेजिस्टेंस के अगर मैं बात करूँ तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे 1800 1897 पे उसका एक रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे क्रूड ऑयल के रेजिस्टेंस हो गए जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो 1897 अगर क्रॉस करता है तो आप क्रूड ऑयल को बाई कर सकते हो। आपका पहला टारगेट रहेगा 2010 का, आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो यहाँ पे। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ट्यूजडे हुआ, वेडनेसडे हुआ, क्रूड ऑयल 1897 क्रॉस कर देता है, तो आप 2010 पे अपना बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। तो ओवरऑल ट्रेंड क्रूड ऑयल का डाउन ही है, लेकिन बाय के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 1897 के ऊपर आप क्रूड ऑयल में बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हो 2000 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये रेंज मैंने आपको यहाँ पे वीकली बेसिस पे बता दिया है। और यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे अगर मैं बोलूँ कि आने वाले मंडे यानी कल के जो डेट पे कैसे क्रूड ऑयल रिएक्ट कर सकता है, मैं अगर वो बात करूँ तो आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल इंट्राडे बेसिस पे भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। मतलब उसका जो एवरी राइज होगा वो एक सेल अपॉर्चुनिटी होगा क्रूड ऑयल का। तो मैं आप सभी के सामने यहाँ पे भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर ड्रॉ करता हूँ तो आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि क्रूड ऑयल में कैसा ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के लिए, क्या लेवल्स पे। अगर हम प्रीवियस हाई प्रीवियस लो के बेसिस पे देखते क्रूड ऑयल को, तो क्रूड ऑयल का जो इंट्राडे रेजिस्टेंस रहेगा वो 1794, यानी यू कैन कंसिडर इट 1795 के आसपास क्रूड ऑयल का इंट्राडे का रेजिस्टेंस रहेगा। और जो उसका क्लोजिंग था, अगर आप देखोगे क्रूड ऑयल का क्लोजिंग समथिंग अराउंड 1699, क्रूड ऑयल का जो क्लोजिंग था वो 1699 समथिंग था। तो ये बेसिस पे अगर हम देख रहे हैं तो क्रूड ऑयल आराम से एक बाय अपॉर्चुनिटी अगर हमें देता है तो वो 1795 के ऊपर होगा इंट्राडे बेसिस पे। और 1795 अगर वो क्रॉस करता है तो हमारे सामने जो फर्स्ट टारगेट है वो इंट्राडे के लिए वो है 1828,
यानी 30 पॉइंट्स का टारगेट यू कैन एक्सपेक्ट इजीली। क्रूड ऑयल में आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, अपसाइड में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्रूड ऑयल में, क्योंकि उसका जो वीकली ट्रेंड हमने देख लिया है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। तो क्रूड ऑयल में आप कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपको 100 पॉइंट की रैली मिल जाए अपसाइड में। वो पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल है जब आपका ये लेवल क्रॉस हो जाता है, 1897 का लेवल क्रॉस हो जाता है, तो आप 2010 फर्स्ट टारगेट अपना एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये तरीका है आपका क्रूड ऑयल का एनालिसिस करने का वीकली बेसिस पे, और ये इंट्राडे बेसिस का एनालिसिस है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि क्रूड ऑयल में बाई के साइड में हमेशा 25-30 पॉइंट में प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस है क्रूड ऑयल के लिए ऊपर के तरफ। और नीचे के तरफ अगर हम देखेंगे तो डाउनफॉल ओपन ही है क्रूड ऑयल की, क्योंकि वो नए लोज बना रहा है, नए पे नए। उसने जो अपना प्रीवियस लो था वो भी ब्रेक डाउन कर दिया है, तो वो नए पे नए लो बना रहा है, तो इसलिए क्रूड ऑयल का डाउनफॉल ओपन है। और उसके जो अपसाइड है 38.2% का, 1792 का, उसके ऊपर ही वो बाय बनता है। अगर चांस मिले तो आप रिस्क लेना चाहो तो 1792 1794 पे क्रूड ऑयल को सेल कर सकते हो इंट्राडे बेसिस पे, अगर गैप अप ओपन होता है या क्रूड ऑयल यहाँ पे ऊपर आ जाता है 100 पॉइंट, तो आप ये रेंज पे सेल कर सकते हो। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आप टारगेट वापस एक्सपेक्ट कर सकते हो वहाँ से 40 से 50 पॉइंट का डाउनफॉल का। तो ये सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टॉक मनी मेकर्स, और हो सके उतना हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाइए, और टेलीग्राम चैनल पे जाके आप स्टॉक मनी मेकर्स के जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे ही आप एलआईएस ब्लू में हमारे रेफरेंस से अकाउंट ओपन करते हो, आपको लाइफ टाइम इक्विटी और एमसीएक्स कॉल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।